अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है सक्सेसफुल ग्रेजुएट यूट्यूब चैनल पर। काइंडली एजुकेशन के अपडेट देने के लिए सक्सेसफुल ग्रेजुएट को सब्सक्राइब करें, बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट एजुकेशन की न्यूज़ सबसे पहले मिल सके। तो बात करेंगे BA ADA पार्ट टू इंग्लिश के मुतल्लिक। स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे, उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि जो नए स्टूडेंट हैं एडमिशन है उनको नहीं समझ आ रही बुक्स की चीज़ों की, तो वो आप लोगों को मैं बताने लगा हूँ। बेसिकली आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है। दो सेक्शन होते हैं, जो सेक्शन वन होता है ये आपका आपकी किताब में से पेपर आता है सारा, ठीक है, ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता। क्वेश्चन वन जो है वो सेक्शन वन का वो होता है आपका मॉडर्न इंग्लिश एसेज का। आपकी जो बुक के अंदर मॉडर्न इंग्लिश एसेज है ना, वहाँ से आपके ऐसे सारे जो है वो उन्हीं में से सवाल आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन होता है आपका द ओल्ड मैन एंड द सी, जो नावल है ना आपका, उनमें से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ये टोटल जो है वो 40 मार्क्स का आपका सेक्शन वन होता है, यानी कि 20 मार्क्स के मॉडर्न इंग्लिश ऐसे से और 20 मार्क्स के द ओल्ड मैन एंड द सी से, ठीक है। 40 मार्क्स का ये पेपर होगा। सेक्शन टू के अंदर जितना भी चीज़ें आती हैं वो आउट ऑफ सिलेबस अनसीन, यही समझ लें, ठीक है। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 है ऐसे विद आउटलाइन, आपने आउटलाइन के साथ ऐसे लिखना होता है, कोई भी टॉपिक आपको आ सकता है, ठीक है। जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस है, या मोस्ट इम्पोर्टेंट वो मैं आपको बता दूंगा, वो कर लीजिएगा। 25 मार्क्स का ऐसे है, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स का आपने ऐसे लिखना होता है, 5 मार्क्स की आउटलाइन होती है, इसलिए आपने ऐसे बगैर आउटलाइन के नहीं लिखना। उसके बाद करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस होते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है। फिर जो है वो क्वेश्चन 5 होता है idioms एंड phrasal verbs होते हैं 10 मार्क्स के। और फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6 आखिरी, जिसके अंदर या तो आपने लेटर लिखना होता है या फिर आपने जॉब एप्लीकेशन लिखनी होती है। जॉब एप्लीकेशन मैंने दे दी है, अपलोड कर दिए चैनल के ऊपर, वो आप लोगों ने देख भी ली होगी। तो 15 मार्क्स की ही है, इस तरह टोटल 100 मार्क्स बनते हैं, ठीक है। इसका मैं आपको बता देता हूँ, अब मैं आपको पिछले साल का पेपर चेक करवा देता हूँ कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। ये देखिए पार्ट टू इंग्लिश, ठीक है। बेसिकली ये दो ग्रुप होते हैं, ग्रुप वन और ग्रुप टू, यानी कि मॉर्निंग और इवनिंग में पेपर्स होते हैं। क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं इसलिए जो है वो इसको दो शिफ्टों में रखा जाता है पेपर को, ठीक है। ये नहीं है कि ग्रुप वन का पेपर सारा ग्रुप टू को आता है, ठीक है। कोई कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, अदरवाइज जो है वो पेपर डिफरेंट होते हैं आप लोगों के। ये देखें क्वेश्चन सेक्शन ए देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर दो क्वेश्चन है, ये आपके मॉडर्न ऐसे में से सवाल आते हैं, ठीक है। 3 आते हैं, आपने 2 करने होते हैं। और जो क्वेश्चन 2 है ये आपका नॉवल में से आता है, जिसके अंदर 3 क्वेश्चन आते हैं, आपने 2 अटैम्प्ट करने होते हैं। 40 मार्क्स का ये, और ये आप देख ले वहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि आपने जो आंसर लिखना है ना सवाल का, वो आपने 150 से लेकर 200 लफ्ज़ों का लिखना होता है, ठीक है। यानी कि 150 से 200 वर्ड्स आपने लिखने होते हैं एक क्वेश्चन के आंसर के, ठीक है। उसके बाद सेक्शन बी में ये देखें, सबसे पहले 25 मार्क्स का आपको ऐसे आता है, 5 ऐसे आते हैं, आपने उनमें से एक जो है वो करना होता है। 300 से 350 वर्ड्स पे आपने ऐसे लिखना होता है और आउटलाइन आपने लाजमी लिखनी है, ठीक है। इसके बाद बात करें idioms और phrasal verbs की, तो ये आपको टोटल आती हैं 10 और आप लोगों ने 5 करने होते हैं, ठीक है। और एक जो है वो 2 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लियरली बताया जाता है कि आपने सिर्फ 5 ही अटैम्प्ट करने हैं, ये नहीं है कि आपको 10 आते हैं तो आप 10 ही लिखने शुरू कर दो, टाइम वेस्ट करो। पहले 5 ही चेक होने, जो आपने पहले 5 लिखने हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 5 आता है करेक्शन, ठीक है, वो आपको 10 आते हैं, आपने उनमें से 5 करने होते हैं, ये भी 10 मार्क्स का होता है। उसके बाद आपका आखिरी सवाल 6 होता है 15 मार्क्स का, या तो आपने लेटर लिखना होता है या फिर आपने एप्लीकेशन लिखनी होती है, ठीक है। तो ये लेटर एप्लीकेशन ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ और करूँगा, ठीक है। वही आपने तैयार करनी है, इंशाल्लाह पेपर आपका जो है वो अटैम्प्ट हो जाएगा, आप पास हो जाओगे, ठीक है। कभी भी सप्ली नहीं आएगी। गेस्ट पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट वगैरह वो पेपर के करीब होंगे, लेकिन जो पास पेपर है वो ऑलरेडी मैंने अपलोड किए हुए हैं। जस्ट आपने मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करना है तो मैं आपको उनका लिंक सेंड कर दूंगा। आप पास पेपर लाजमी 5 या 10 साल के आप लाजमी पेपर देखो पुराने, कि पेपर कैसे आता है, कहाँ से आ रहा है, कैसे सवाल एग्जामिनर बना रहा है, ठीक है, पेपर कैसे बन रहा है, आपको सारी समझ आ जाएगी। अगर आप 5 साल के पास पेपर देख लो ना पिछले, तो आपको पता चल जाएगा कि पेपर कैसे आता है, सवाल कैसे बनाते हैं, ठीक है, और उसका आपने आंसर कैसे करना है, ठीक है। तो ये थी जी पार्ट टू की, पहले मैंने पार्ट वन की अपलोड कर दी हुई है, ये पार्ट टू की थी। तो उम्मीद है कि आपकी ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी, दोनों में याद रखिएगा।